मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है, हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त, बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। ये तस्वीरें हैं गंगा जमनी तहजीब की, ये तस्वीरें हैं एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान की, ये तस्वीरें हैं मोहब्बत के उस पैगाम की, जिसे पूरे देश को देखना चाहिए। ना सिर्फ देखना चाहिए, बल्कि नफरत की आग लगाने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान का एक सच ये भी है। दुआ करो, दुआ करो, हमारा भारत फिर से महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम बने। इन तस्वीरों को देखकर तो मन यही कहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भोले की फौज इन दिनों कावड़ लेने निकली है, हर बार की तरह इस बार भी। मगर इस बार का नजारा कुछ जुदा है, क्योंकि पहले तो कावड़ियों पर यूपी की योगी सरकार ने और उत्तराखंड की धामी सरकार ने हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की, और अब मन को सुकून देती ये तस्वीरें सामने आती हैं। यूपी के शामली और कैराना जैसी जगहों से ये तस्वीरें एक संदेश हैं, जिसमें मुस्लिम समाज के कुछ लोग कावड़ियों पर फूल बरसाते हैं। ना सिर्फ फूल बरसाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, बल्कि देश के सामने नजीर भी पेश करते हैं। शिव भक्तों के लिए जगह जगह खाने के स्टॉल लगाए जाते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसी जगहों से हजारों शिव भक्त गंगा जल लेने निकलते हैं। कैराना, पानीपत, खटीमा के रास्ते से गुजरते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिसमें मुस्लिम समाज के लोग कावड़ियों के पैर में लगी चोट पर दवा तक लगाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है सरसावा में अंबाला रोड पर बने श्री अखंड सत्संग भवन मंदिर के सामने की, जहां भाईचारा सेवा समिति ने स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें हिंदू भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने कावड़ियों पर फूलों की बारिश की, और फिर कावड़ियों की सेवा के लिए रास्ते भर में खाने पीने का शिविर भी लगाया। रास्ता लंबा है और मुश्किल भी, ऐसे में दुश्वारियां भी हैं, तबीयत नासाज भी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य कावड़ शिविर की व्यवस्था भी की गई है। यकीनन ये तस्वीरें देश की संस्कृति, भाईचारा और सभ्यता का एक बड़ा संदेश है, नजीर है देश की आवाम के लिए भी। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, हाथ से हिंदू, माँ से मुस्लिम। फिर से सुनिएगा, हाथ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, और हम से है ये सारा का सारा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।